मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की नलवर नगर परिषद से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां आरटीआई के तहत जानकारी मांगने वाले देवेंद्र चौरसिया और जितेंद्र चौरसिया के खिलाफ नलवर थाना प्रभारी को एफआईआर के लिए नगर परिषद सीएमओ प्रवीण कुमार नलवरिया सहित कर्मचारियों ने आवेदन दिया। आरटीआई आवेदक देवेंद्र ने बताया कि मैं और मेरा भाई नलवर नगर परिषद कार्यालय में जानकारी मांगने पहुंचे थे, लेकिन जानकारी नहीं दी गई। कई बार सीएमओ ने गुमराह किया, साथ ही जब कहा कि आज जानकारी लेकर ही जाऊंगा तो कर्मचारियों ने गाली गलौज करते हुए मारने और एफआईआर कराने की धमकी दी। इतना ही नहीं, मेन गेट में ताला भी लगा दिया, जिसके बाद पत्रकारों ने आकर ताला खुलवाया। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों ने देवेंद्र चौरसिया और उसके भाई पर शासकीय कार्य में बाधा डालकर दस्तावेज फाड़ने की भी बात कही। हालांकि थाना प्रभारी ने पूरे मामले में दोनों पक्षों में मामले की जांच करने की बात कही है। दी गई, मुझे बार बार फोन पे गुमराह किया जा रहा है कि एक कल ले जाना, परसों ले जाना, आज दिनांक तक नहीं मिली, ऐसा क्यों? आपके कर्मचारी क्यों देना नहीं चाह रहे और आप क्यों देना नहीं चाह रहे? तो केवल एक ही समस्या है मेरी, बताइए श्रीमान जी, बताइए ना, बोलिए आप, तो क्यों देना नहीं चाह रहे आप? आपका कौन सा हित है इसमें? आपके कर्मचारी मुझसे फोन पर ये कह रहे हैं कि हमारी फाइलें पूरी तैयार है, सीएमओ साहब के पास है, सीएमओ साहब देना नहीं चाह रहे, तो क्यों देना नहीं चाह रहे सर आप? प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसा क्या हुआ है? मेरे द्वारा पहले भी एक केस दर्ज कराया गया है लोकायुक्त में, जो आज दिनांक चल रहा है, उसकी पेशी भी आप कर रहे हो, आप क्यों जानकारी देना नहीं चाह रहे साहब? इसमें आप भी लिप्त हैं क्या? आप मुझे लिखित में दे दीजिए कि मैं जानकारी नहीं दे सकता। आप तो मुझे लिखित में दे दीजिए श्रीमान जी, आरटीआई का, आरटीआई का आवेदन दीजिए आप, 6 महीने पुराना है। आरटीआई निकालो आप। नगर परिषद से सीएमओ साहब ने आवेदन दिया है, इस आवेदन की हम जांच कर रहे हैं, साक्षी और फरियादी गणों सभी के कथन लेंगे, कथन लेने के बाद आवेदक और साक्षी गणों के कथन लेने के बाद जांच में जो निष्कर्ष आएगा वो कार्रवाई करेंगे। आवेदन दिया है, कल मैं और मेरा भाई देवेंद्र चौरसिया नगर परिषद नरवर में सूचना के अधिकारी के प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी लेने गए थे, जहाँ पर हमको जानकारी ना देते हुए हमको वहाँ पर कुछ कर्मचारियों ने बंदी बना लिया और मेन गेट में ताला लगाकर हमसे गाली गलौज और मारपीट करने लगे और हमसे कहने लगे कि आपके द्वारा जो लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज है उसको वापस लीजिए, नहीं हम आपको झूठे केस में फंसा दिएगे, और हमारे साथ गाली गलौज कर नहीं मारपीट करने लगे, जिसके उपरांत हमने अपने कुछ पत्रकार सहयोगियों को फोन लगाकर बुलाया, जिनने हमको वहाँ से बाहर निकलवाया और हमने उसके उपरांत थाने में जाकर नहीं अपना शिकायती आवेदन दिया, जिसके विरोध में उन्होंने हमारे खिलाफ ये झूठा आवेदन भी थाने में दर्ज कराया। ये कल घटना घटित हुई थी नगर परिषद में, ये दो व्यक्ति हैं जो देवेंद्र चौरसिया और जितेंद्र चौरसिया, ये लोग आए थे नगर परिषद में, तो हमारे जो कर्मचारी हैं उनके साथ में कुछ इनकी बदतमीजी बड़ी बातें हुई, गाली गलौज हुई और जो शासकीय दस्तावेज थे उनको नष्ट करने की कोशिश करी, तो इस तरह से हम लोगों ने उनके विरोध में आवेदन दिया है। मैंने सीएमओ साहब से पूछा बना के कि सीएमओ साहब आपके इस चीज की जानकारी मुझे क्यों उपलब्ध नहीं करा रहे हो, इसमें आपका क्या हित है? आपके कर्मचारियों को कुटीर सेक्शन हुई है इसीलिए आप मुझे जानकारी नहीं दे रहे, तो वो इतना कह के मुझसे चले गए कि ये आप कर्मचारी से सब उनसे जो अंकुर गुप्ता हैं उनसे जानकारी ले लो, पर अंकुर से मेरी बात हुई तो अंकुर जैन का कहना यह है कि अभी मेरे पास जानकारी नहीं आई, मैंने 1 महीने पहले ही इसका वो लिया है चार्ज, फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा कि जो हबीब खान जो पहले थे उनसे मेरी चर्चा हुई है, उनने ये कह दी कि मैंने पूरी जानकारी कुटीरों की जितनी आपने मांगी थी वो सीएमओ साहब को मैंने उपलब्ध करा दी है, सीएमओ साहब आपको उपलब्ध करा देंगे।
आपको बता दें कि नगरीय निकाय परिषद ने यह आवेदन किया है, आरटीआई आवेदन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। यह अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर सिंपल जो जानकारी मांगने के लिए दो भाई वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जिसके बाद ये हैरान करने वाला मामला अब सामने आ रहा है। आपको बता दें कि जानकारी भी उनको साझा नहीं की गई है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ शिवपुरी से संवाददाता कमर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कमर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आरटीआई के तहत जिस तरीके से वो जानकारी मांगने के लिए वहां पर पहुंचे थे, उसके बाद जो वहां का वाकया हुआ, वो वहां की स्थिति क्या थी उस समय? आकांक्षा, ये नरवर नगर परिषद से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ एक शिवपुरी का आवेदक है देवेरी चौरसिया, उसके द्वारा सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाकर कुछ दस्तावेजों की जानकारी चाही गई थी, और इसके बाद में विभाग द्वारा उनको पत्र भी जारी किया गया है कि आप आके जानकारी ले जाएं। लेकिन वो दो चार बार, जैसा कि आवेदक का कहना है कि मैं चार छह बार यहाँ आया और आने के बाद हर बार मेरे को गुमराह कर दिया जाता है। मैं 50 किलोमीटर दूर से आता हूँ, मेरा दिन खराब किया जाता है और विभाग द्वारा अधिकारी के द्वारा मेरे को जानकारी नहीं दी जाती है जी। तो कुछ इन लोगों में कहा सुनी हुई या क्या हुआ, तो इन लोगों ने मतलब जो विभागीय अधिकारी है उनसे, उनने वीडियो भी उनका बनाया हुआ था, जो वीडियो मेरे को बताया जी। और इन लोगों ने उनको कुछ बदतमीजी भी की, जो कर्मचारी थे या जो अधिकारी थे उन्होंने कुछ अपशब्द भी बोले, हो सकता है इन्होंने भी कुछ अपशब्द इनमें मुंह बात हुआ होगा आपस में दोनों ही पक्ष। इसके बाद उनको जो है यहाँ पे बंद कर दिया गया था। जैसे कि उसका मेरे पास ही फोन आया आवेदक का, हमें इस तरह से हम जानकारी मांगने आए थे और यहाँ के कर्मचारियों ने हमें अंदर बंद कर दिया है और बाहर मेन गेट का ताला लगा दिया और हमें बाहर जाने नहीं दे रहे। तो हम लोग गए, फिर हमने जाने के बाद मौके पर देखा तो हकीकत में ताला लगा हुआ था और दोनों वो आवेदक और एक उसका भाई था साथ में, दोनों ही लोग बंद थे। जो लोग काम अपना कराने आए थे नगर परिषद में, वो लोग जो है कर्म मतलब जो यहाँ के नगर के क्षेत्रवासी हैं, वो लोग भी अपने काम के लिए खड़े हुए थे कि भाई ये ताला खुले जब हम अंदर जाए। तब उनसे हमने जाके ये बात ही, उन्होंने बताया कि भाई हमें यहाँ अंदर बंद कर दिया और करीब 11:30 बजे के समय ताला लगाना गेट का, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही कहे या इन लोगों की मिली भगत कहे कि इस तरह से आवेदक के ऊपर दबाव बनाना, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इसमें लापरवाही दिखाई दे रही है। तो वही कमर, जिस तरीके से अगर नगर परिषद की बात कर ली जाए, तो वहां के अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उनका ये मानना है कि देवेंद्र चौरसिया और उसके भाई पर शासकीय कार्य में बाधा डालने की बात भी कही जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो उस दौरान वहां दस्तावेज फाटे हुए भी नजर आए हैं। तो क्या लगता है, ये नगर परिषद की लापरवाही सामने आ रही है या ये मामला कुछ और ही तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, जो है विभागीय है, अगर विभाग में कोई जब अभी इस समय जब जो है हर चीज ऑनलाइन है, लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो प्रमाणित ही मतलब होते हैं जब उन चीज की जो है वैधता होती है, और इसके लिए सूचना का अधिकार अगर कोई लगातार जानकारी देना चाहिए, और अगर आप किया तो जानकारी ना दे रहे हैं, आप आवेदक को गुमराह कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें कोई लीपापोती आप अतीत कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें भ्रष्टाचार छुपाने का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है। और फिर एक आवेदक अगर, तो उसको झूठे हाथों में फंसाने का भी क्या है। इन लोगों ने भी जो है नगरीय निकाय के जो सीएमओ है और कर्मचारी है, इन लोगों ने भी उनके खिलाफ जो है आवेदन दिया हुआ है कि इन्होंने यहाँ पे आके ऑफिस में दस्तावेज फाड़े हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष में, अच्छा जो नरवर थाना प्रभारी है, जब उनसे इस मामले पर बात, तो उन्होंने एक जरिया के भी हमने दोनों पक्षों के आवेदन ले लिए, दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप लगाते हुए एफआईआर कराने के लिए आवेदन दिए हैं। थाने प्रभारी ने जो है कहा है कि भैया मैं जांच करूंगा, जांच करने के बाद में जो तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है कमर खान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर आरटीआई आवेदक के खिलाफ की एफआईआर दर्ज हुई है और इस मामले पर अब थाना प्रभारी पूरी तरीके से जांच में जुट गए हैं। अब ये देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आती है।